क्योंकि इस वक्त डॉलर डबल सेंचुरी क्रॉस करने वाले हैं। डॉलर यहाँ इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियों ने इस मुल्क की आलमी रेटिंग कम कर दी। मुल्क अनारकी में है, हालात सख्त तश्वीशनाक हो चुके हैं। चावल जो इस देश की पहचान हुआ करता था, लेकिन महंगाई ने चावल को भी अपने घेरे में ले लिया। बिजली का तातुल ऐसा है कि तिब्बी अमले को अस्पतालों में टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ा। अब ये उजड़ा चमन बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार है। हुकूमत के पास तेल की दरामद के लिए गैर मुल्की करेंसी की किल्लत है। तेल की कमी के बायस बिजली की भी शदीद कमी का सामना है। हुकूमत के खजाने में जो रिजर्व्स हैं उसमें कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये ना तो तेल दरामद कर पा रहा है, ना ही दीगर अशिया जरूरत हासिल कर पा रहा है, और इस वजह से इस देश को खाने के लाले पड़ गए। इस देश को किसी की ऐसी नजर लग गई कि ये देश यकदम से अपने जवाल की जानिब सफर करना शुरू हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। महंगाई ने तूफान बदतमीजी बरपा कर दी है। मुल्क कर्जों में डूब रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किसी भी वक्त बदतरीन इजाफे का खदशा दिल दहला रहा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान की एक महिला खातून है, उसका नाम है डॉक्टर फिजा खलीफा। इनकी स्पेशलिटी ये है कि हमेशा भारत को बदनाम करने के लिए, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, भारत के खिलाफ झूठ फरेब बोलने के लिए इनको अवार्ड तक दिए जाते हैं। और हाँ, ये पीपल चॉइस अवार्ड है, यानी पीपल वोटेड फॉर दिस, और लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने वोट किया और मुझे इस काबिल समझा। लेकिन ये कभी भी अपने गिलेवान में नहीं झांपती है, लेकिन कभी 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 ऐसा एक दिन आता है जिस दिन ये अपने घर में देखती है और इसको, और ये जब अपने घर का आईना देखती ना, तो इसको अपना चेहरा बहुत ही ज़्यादा बदसूरत नज़र आता है। तो पाकिस्तान बर्बादी के डहाने पे पहुंच गया है। $200 हो गया है, महंगाई चरम सीमा छू रही है, लेकिन इनकी अकड़ आज तक कम नहीं है। रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया। तो आज हमारी प्यारी दुलारी डॉक्टर फिजा खलीफा पाकिस्तान में जो महंगाई का बहरान आया है उसके ऊपर रोती बिलबिलाती हुई बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है। तो इसकी इस क्यूटनेस का आज आप लीजिए मजा, और मैं बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ। मैं मिलूंगा सीधा आपको आखिरी में। तो मुल्क दिवालिया हो जाता है, शहर उजड़ जाता है, कौम कमजोर होकर जड़ से उखड़ जाती है। जैसे बाग को, किसी बाग को अच्छा माली मुयस्सर आ जाए, जो दिल लगी से काम करे, पूरी मेहनत लगन के साथ पौधे लगाए, उन्हें बर वक्त पानी दे, उनकी देखभाल करे, तो बाग कुदरत के रंगों से भर कर निखर जाता है और बाग की फजा सांसों को महका देती है। लेकिन जिस बाग का माली बद इंतजामी का शिकार हो, मेहनत से जी चुराता हो, तो उसकी नीयत का फतूर पूरे चमन को वीरान कर देता है। बाग का दामन फूल दरख्तों और पौधों से नहीं बल्कि कांटों से भर जाता है। अब ऐसा एक देश जो दुनिया भर में अपनी पहचान रखता था, पूरी दुनिया की नज़रें उस देश पर जम जाती थीं। वो देश जिसके बारे में मशहूर था कि उस पर कुदरत और किस्मत की देवी शायद मेहरबान है, जिस देश की खूबसूरती पूरे जग को अपना दीवाना बना लेती थी, जिस देश को देखने के लिए दुनिया भर के सयाह किसी मकनातीसी ताकत की तरह खींचे चले आते थे। उस देश का जुग्राफिया अपने आप में एक जिंदा मिसाल हुआ करता था। गहरी बंदरगाहें जिसमें हर वक्त तिजारत की रौनक लगी रहती थी, जिसमें हर सू कारोबार की चमक दमक नजर आती थी। लोग इतने खुददार, इतने मेहनती, सलाहियतों से भरपूर कि पूछिए मत। ये देश खेल के मैदान में बहुत सरगर्म नजर आता था और उसने वर्ल्ड कप में भी अपना नाम बनाया, वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया था। लेकिन शायद इस देश को किसी की ऐसी नज़र लग गई कि ये देश यकदम से अपने जवाल की जानिब सफ़र करना शुरू हो गया, और इस जवाल की वजह वो करप्ट हुक्मरान ख़ानदान था जिसने दो दहाइयों तक उस मुल्क पर हुक्मरानी की, लेकिन उसके बावजूद वो मुल्क को तरक्की की शाहरा पर गामजन करने की बजाय इसको इस कदर तबाही के दहाने पे ले आया कि उस देश की मईशत ने खुद ही हाथ खड़े कर दिए। आवाम से वादा करके इकतदार में आया कि वो मुल्क का कर्जा उतार कर आवाम को खुशहाल बनाएगा, मुल्क में आवाम को रिलीफ मिलेगा, महंगाई बेरोजगारी के अंधेरों को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन बदनीयत बदफितरत मोरूसी सियासत के पुजारी खानदान ने
करप्शन की, वो दास्तान रकम की कि इस देश को खाने के लाले पड़ गए। अब ये उजड़ा चमन बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार है। हुकूमत के पास तेल की दरामद के लिए गैर मुल्की करंसी की किल्लत है। तेल की कमी के बायस बिजली की भी शदीद कमी का सामना है। हुकूमत के खजाने में जो रिजर्व्स हैं उसमें कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये ना तो तेल दरामद कर पा रहा है, ना ही दीगर अशिया ज़रूरियत हासिल कर पा रहा है, और इस वजह से मुल्क में बदतरीन अफरा तफरी की सूरत हाल है। महंगाई का सुनामी आवाम को गर्क करता चला जा रहा है। बिजली का तातुल ऐसा है कि तिब्बी अमले को अस्पतालों में टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है, वो भी ऐसे हालात में कि बहुत सी अद्वियात जो दरामद होती थी अब दस्तियाब भी नहीं है। चावल जो इस देश की पहचान हुआ करता था, लेकिन महंगाई ने चावल को भी अपने घेरे में ले लिया, और इसी का असर है कि चावल 93% तक महंगे हो गए। इस देश के रुपए की कदर में शदीद तरीन कमी हो चुकी है। इस देश का एक और सर का दर्द $7 अरब से ज़ायद का कर्ज है जो इसे इस साल देना है। और मुआशी माहिरीन क्या बताते हैं कि हुकूमती बद इंतज़ामी, नाकाबले बर्दाश्त कर्जे और टैक्सों में कटौतियों ने बहरान को मजीद संगीन कर दिया। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियों ने इस मुल्क की आलमी रेटिंग कम कर दी। मुल्क अनारकी में है, हालात सख्त तश्वीशनाक हो चुके हैं क्योंकि इस वक्त डॉलर डबल सेंचुरी क्रॉस करने वाला है। महंगाई ने तूफान बदतमीजी बर्पा कर दी है। मुल्क कर्जों में डूब रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किसी भी वक्त बदतरीन इजाफे का खदशा दिल दहला रहा है। लोड शेडिंग, बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, और इस बद इंतजामी और नाअहली की वजह भी नीयत का फतूर, बेईमानी है। हमारे मुल्क पर इस वक्त ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हैं जिन पर अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम हैं। ये भी श्रीलंका की तरह मौरूसी सियासत का शिकार रहा है। ऐसे ख़ानदान जो तीन दहाइयों से ज़ायद अरसे तक इस मुल्क पर हुकूमत करते रहे, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि एक ख़ानदान ने ख़ास तौर पर हमेशा इक्तदार पर विराजमान होकर मुल्क को दो हाथों से लूटा, बड़ी बेदर्दी से लूटा, अपने ही मुल्क को बड़ी बेदर्दी से लूटा। ये ख़ानदान अपने आप को खुशहाल करता चला गया, अपने माल में असासों में इजाफा करता चला गया, लेकिन मुल्क की अवाम बेहाल होती चली गई। इस हुक्मरान टोले ने भी रजीम चेंज में सहूलतकारी करके ज़बरदस्ती की हुकूमत हासिल की, और तब से अब तक मुल्क दिवालिया होने की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में महंगाई का बहरान छाया हुआ है, पाकिस्तान बर्बादी के कहने पे चला गया, लेकिन ये लोग है कि कभी सुधरते नहीं है, हमेशा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं, भारत को बदनाम करने के चक्कर में लगे रहते हैं। कल परसों इसने एक प्रोग्राम किया था भारत के ऊपर जिसमें अनाप शनाप अण शन जो भी मुँह में आया वो सब बका इसने भारत के खिलाफ़, मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ। इसके वहाँ पर दो सरदार जी का कत्ल हो जाता, लेकिन बंदी की जुबान है खुल जाए कत्ता ही नहीं। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि आप पाकिस्तान को और फिजा को पहलते हुए धमाधम चौके छक्के वाले कमेंट कर दीजिए। और एक चीज़ और, अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो मत कीजिए, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मत कीजिए, लेकिन एक शेयर ज़रूर से कर दीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए 5 मिनट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।